Ready, action. अरे दूसरा वाला इधर ला। हाँ नहीं मिला क्या लगवाया? लेके बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ। अरे इसमें घूम मत। आना जाना सब जा आगे जा सकते हैं। देखिए तुम्हारा पाए Right, all the best. Chalo. लग गया माई? चलो अब निकल जाए तो फिर निकल जाना है हिंदुस्तान से। चलो रोल कैमरा हूँ, जिसके निर्माता हैं प्रदीप के शर्मा जी और निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी। तो उसी सिलसिले में इस अयोध्यावासी बन के आपके सामने घूम रहा हूँ और आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ। इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है? इस फिल्म में एक एंकर की भूमिका का मतलब निर्वहन कर रहा हूँ मैं, मतलब एंकर की भूमिका में हूँ। और वो एक ऐसा एंकर है जो नए नए सिंगरों को कन्विंस करता है कि भाई जीता कैसे जाता है, ये कैसे होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा लीक से हट के कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में मेरा जो नाम है वो नाम रंजन सिन्हा है, जो हमारे बिहार के बहुत बड़े पियारो हैं, उनके नाम पर मेरा नाम रखा गया रंजन सिन्हा।
इस फिल्म में एक नए लड़के राहुल शर्मा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ काम करना आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, वो नए हैं ही नहीं, वो भोजपुरी के लिए नए हैं, भोजपुरी में पहली बार काम कर रहे हैं, मतलब भोजपुरी में पहली फिल्म है उनकी, बट उनकी ऑलरेडी दो फिल्में आ चुकी हैं हिंदी में, एक हिंदी और एक और कोई, तो वो एक जाने माने चेहरा है हिंदी के लिए वो लड़का, और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड। मैं कल उनके साथ मेरा एक सीन था तो उन कहीं से कुछ नहीं दिखा कि वो पहली फिल्म है उनकी और पहली बार कर रहे हैं वो, तो मैं तो मेरे लिए तो नया नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकदम अपनी परिपक्वता के साथ अभिनय का शुरुआत किया हुआ है, तो वो मेरे लिए नहीं है नया। आपने कई फिल्में की हैं रजनीश मिश्रा जी के साथ, इस फिल्म में नया अनुभव क्या है आपके लिए? कई फिल्में की हैं रजनीश मिश्रा जी के साथ, तो रजनीश मिश्रा जी हास्य प्रधान, मतलब मेरे लिए जो सोचते थे हास्य था, पहले हंसाने का काम करवाया मेरे से, और अब मुझे इसमें कुछ अलग है, जो मेरे कैरेक्टर का दो शेड है, तो पहला शेड जो है वो दर्शकों को कुछ लगेगा, बाद में कुछ लगेगा, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो बताऊँगा नहीं। अभी फ़िलहाल मैं शूट कर रही हूँ अयोध्या में, फिल्म का नाम है डार्लिंग, और इस फिल्म में राहुल हैं एक्टर जो मेरे ऑपोजिट हैं, फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी, और फिल्म के निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी, और ये हमारी पहली फिल्म है, बतौर डायरेक्टर सर पहली बार मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं और मैं उनके साथ पहली बार कर रही हूँ, पहली बार मौका मिला हमें साथ में काम करने का। बट इस फिल्म का करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है प्रदीप कुमार शर्मा जी, ये सर बहुत ही बेहतरीन हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रही हूँ, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करने का, तो आई थिंक ये फिल्म करने का मोटिव या रीज़न सिर्फ सर है, और उसके अलावा रजनीश सर है, क्योंकि हमें पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था, एंड बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रहे रजनीश सर हैं, तो ऑब्वियसली उनके टेक्निक्स बहुत अलग हैं, बहुत सारे शॉट्स बहुत प्यारे खूबसूरत उनके और भी कई फिल्मों में देखे गए हैं, और बहुत ही सजा सजा के वो शॉट लेते हैं, ये अलग है, और उसके अलावा पूरी यूनिट बहुत ही खुशहाल तरीके से काम कर रही है एक दूसरे के साथ मिलके। राहुल बहुत कुछ सीखने की चाह रखे हैं, जो हर शॉट से पहले नो डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से इस शॉट को और बेहतर बना सकते हैं, तो करीबन बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके। तो जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, और रही बात हिंदी फिल्म या हिंदी गानों के लिए, हर इंसान या हर कलाकार जो वो कर रहा होता है उसे हर एक दिन कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है, यही प्रयास मेरे तरफ से भी है, और हिंदी तो मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य है कि मैं यू नो एकदम से भोजपुरी छोड़ के हिंदी में चली जाऊँ, बट हाँ बेहतर करने की कोशिश है, और इसलिए भी कुछ ना कुछ नया कर रही हूँ, और दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, अगर ईश्वर ने चाहा या दर्शक का प्यार रहा तो ये पब्लिक है, कुछ भी बना सकती है, किसी को भी कुछ भी बना सकती है, आई होप सो कि ऐसा हो जाए। अश्लीलता की जहाँ तक बात करें तो पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, सभी कलाकार अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी इन्होंने अपना खुद ही बना रखा है, सब अलग अलग तरीके का टेस्ट लेके हैं, किसी को अश्लील गाने पसंद हैं, किसी को अलग गाने पसंद हैं, सबके चॉइसेस अलग हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट हाँ जो एक्सेप्ट करते हैं, जो श्रोता हैं हमारे, जो आप जैसे पत्रकार होंगे,
आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ में चुनाव करना पड़ेगा कि आप किसको सुनना चाहते हैं किसको नहीं. आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिलेगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी. जहाँ आप ही एंटरटेन करेंगे इन चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसे गाने वाले और बढ़ते जाएंगे और आए दिन ऐसे गाने और बनते जाएंगे. बट कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे गानों को, अच्छे गीत बनाते हैं, अच्छे गानों को बनाते हैं, जो कि यू नो अच्छे श्रोता जो हैं वो सुनते भी हैं, सराहते भी हैं. मुझे लगता है हर किसी को उस वैसे गाने को, वैसे जॉनर के गाने को भी पसंद करना चाहिए, सुनना चाहिए और ऐसे गानों को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारे जैसे कलाकार और मेहनत कर सकें और ऐसे गाने ला सकें आप लोगों के बीच. फिलहाल मेरे सावन की कई सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं, मेरे दिल के बेहद करीब हैं. आप लोग ज़रूर सुनिएगा. हर साल की भांति इस बार भी कुछ अलग गाने आ रहे हैं. कुछ हैं इसमें अविनाश झा घुंघरू जी के म्यूज़िक, अविनाश झा घुंघरू जी का म्यूज़िक है जिसमें मनोज मतलबी जी लिरिसिस्ट हैं, और आर्या शर्मा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बनाया है, रोशन सिंह. तो कड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हम सब ने मिलके बहुत अच्छा अच्छा गाना बनाया. आप लोग ज़रूर सुनिएगा. और इस साल सावन भी दिल खोल के यू नो अच्छे से सोमवारी मनाइए और मज़ा लीजिए, देवघर जाइए, बोल बम कहिए. सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में जो मेरी हीरोइन है वो है अक्षरा सिंह जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सितारा हैं और वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री की, और मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ एक्ट करने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज एन एक्टर वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सीन्स भी मुझे बहुत अच्छे से समझा देती हैं. कहीं मैं कन्फ्यूज होता हूँ तो मुझे बताती कि नहीं राहुल, हम ऐसे करते हैं, ऐसे करिए आप, ऐसे करिए, तो बहुत सपोर्टिव हैं एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ काम करके. जाते जाते मैं बिहार तक के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आप में से हूँ, भोजपुरी मेरी मिट्टी है, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है और मेरी कर्म भूमि भी ये है. तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म डार्लिंग ज़रूर देखें एंड मुझे मौका दीजिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ आप सबके सामने. एंड आप जितना मुझे प्यार देंगे उतना मैं आगे बढ़ते जाऊँगा. तो मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आप जितना प्यार देंगे उतना मैं आगे बढ़ूँगा. बस अक्षरा जी की सबसे खास बात ये है कि वो टाइम की बहुत ज़्यादा पंचुअल है, जो टाइम कॉल टाइम दिया जाता है उस टाइम पे वो एकदम बराबर से आ जाती हैं. एंड एज एन एक्टर वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब वो बिल्कुल भी मुझे अनकम्फर्टेबल नहीं होने देती हैं सीन्स में. आती हैं मुझे सेट पे, मिलती हैं, ग्रीट करती हैं बहुत अच्छे से, सीन समझाती हैं कि ऐसे करेंगे हम, ये इमोशन डालेंगे. तो मुझे इनकी ये बात बहुत खास लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि पहली फिल्म है मेरी भोजपुरी की और मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश सर, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सर में ये खूबी है कि सर सारे सीन्स को अच्छे तरीके से समझाते हैं. सेट पे मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ सर क्या करना है, तो सर फिर मुझे बताते हैं कि देखो राहुल ऐसे करना है, ऐसे करना है. जो सीन में मैं अटकता हूँ सर सीधे आके मुझे इमोशन बताते हैं कि देखो राहुल इस सीन को ऐसे करो, इस सीन को ऐसे करो. तो सर की मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है और बहुत खास बात है, क्योंकि एज एन डायरेक्टर वो मुझे आ करके समझाते हैं सारी चीज़ें, सारे सीन्स को बखूबी बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, जो कि शायद ही कोई करता है. अपने एक्टर को बताता है कि ये इमोशन डालो, नहीं हो रहा तो फिर भी नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये चलो ठीक है ओके नहीं बोलते हैं. जब तक उनको नहीं लगता है कि हाँ शॉट ओके है, तब तक वो ओके नहीं बोलते हैं. एंड वो अपना काम बखूबी बहुत अच्छा से जानते हैं. पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा दिल से. और जैसा कि आपने पूछा कि हिंदी फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि मैंने हिंदी फिल्म की हुई है, तो हिंदी फिल्मों में क्या रहता है कि बेसिकली वो लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज़्यादा उठाते हैं. एंड जो हमारी भोजपुरी फिल्में जो बनती हैं वो ज़्यादातर पारिवारिक बनती हैं. एंड वो आज भी मतलब रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, बॉन्डिंग को, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं है कि फिल्में वैसी नहीं बनती हैं, बनती हैं लेकिन अब कम हो गई हैं.
अब इधर क्या, उधर मॉडर्न चीज़ें जो है, शहर का जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें चलती हैं, और यही हमारी जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं वो आज भी गांव के लोगों को लेके चलती हैं, उनके इमोशंस को लेके चलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है और उसमें मैं डेब्यू कर रहा हूँ, जो हमारी भोजपुरी की सुपरस्टार हैं अक्षरा सिंह जी। तो मेरे लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि मैं इतनी बड़ी हीरोइन के साथ लॉन्च होने वाला हूँ, और उनके उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एज एन एक्टर, फिर से कहते हैं थोड़ा, जैसे मैंने एक्सरे किया था तो उसमें मैंने एक साइको लवर का कैरेक्टर किया है, कुतुब मीनार किया है, तो उसमें मुझे एक पॉलिटिशियन का रोल दिया गया है, एंड ये जो डार्लिंग फिल्म है इसमें जो मेरा कैरेक्टर है बिल्कुल डिफरेंट है। जो इस मूवी का जो जॉनर है वो काफ़ी अलग है एज़ कंपैरेटिवली बाकी सारी मूवीज़ से, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ होती हैं सबका एक जॉनर होता है, सब में कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, तो बेसिकली एक सारे जो भी कैरेक्टर होते हैं सारी मूवीज़ में सबके अलग अलग होते हैं, एंड ये मेरी जो मूवी में जो मेरा जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है बाकी सारी फिल्मों से जो मैंने की हैं, तो ये काफ़ी नया है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको प्ले करके। SRK के लिए मैंने फिल्म किया टोली से जाके रखना, जिसके हीरो खेसारी लाल यादव जी हैं, और उसके काम को सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसकी शूटिंग हमने यहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया था, और आम्रपाली जी हैं उसमें, और फिल्म को काफ़ी लोग सराह, मतलब उसके ट्रेलर को काफ़ी सराह रहे हैं, उसके गाने भी कुछ रिलीज हुए हैं जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से मैं उत्तर प्रदेश में जो फिल्म शूट कर रहा हूँ वो है डार्लिंग, और डार्लिंग की शूटिंग अयोध्या में ही कर रहा हूँ। अयोध्या वैसे ही मेरे लिए बहुत एक फेवरेट लोकेशन है मेरे लिए, और यहाँ पे काम करने का एक अलग मज़ा आता है, तो डार्लिंग 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 हो रहा है अयोध्या में सभी। डार्लिंग में अक्षरा सिंह जी हैं और उनके साथ राहुल कर रहे हैं, राहुल पहली भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, और साथ में मटरू सिंह हैं, अमित शुक्ला जी हैं, और ब्रिजेश जी हैं, काफ़ी आर्टिस्ट विनीत विशाल हैं, तो जितने भी हमारे अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग जो काम कर रहे हैं वो सब इस फिल्म में काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा ये सोचना रहा है कि आप अपने ऊपर यकीन करिए और अपने काम को बेहतर तरीके से करिए, बाकी फल देने वाला ईश्वर है। तो उसी कड़ी में मैंने खेसारी लाल यादव जी के साथ फिल्म पहले करना शुरू किया, काफ़ी फिल्में उनके साथ 6-7 फिल्में की, फिर दिनेश जी के साथ एक फिल्म की, पवन सिंह जी के साथ एक फिल्म और एक वेब सीरीज किया, और चिंटू के साथ एक फिल्म की प्रदीप पांडे के साथ। उसी कड़ी में एक नए स्टार हैं जो अभी स्टार में नहीं कहूँगा कलाकार कहूँगा, क्योंकि कलाकार की कसौटी पे जितने चीज़ें होती हैं, जैसे फाइट होता है, डांस होता है, एक्टिंग होती है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो हैं राहुल। और राहुल के काम से मैं काफ़ी प्रभावित रहा, जब उन्होंने अपनी सब फुटेज वगैरह दिखाए मुझे, उनके फाइटिंग के स्किल्स दिखाए, एक्टिंग की चीज़ों को मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि इनके साथ काम करना चाहिए, और भोजपुरी में कोशिश करके हम ला रहे हैं एक अच्छी फिल्म डार्लिंग। बाकी जनता जनार्दन के हाथ में है, वो लोग कितना आशीर्वाद देते हैं, और यकीन है यहाँ हम बजरंग बली के दरबार में आशीर्वाद उनका लेकर के शूटिंग कर रहे हैं डार्लिंग की, तो डार्लिंग को जनता अपना डार्लिंग बनाएगी। नहीं, अचानक से काम करना उनके साथ बंद नहीं किया, दो फिल्में करने के बाद मैं एक फिल्म किया निशांत उज्जवल जी के साथ, मेहंदी लगा के रखना, और उस फिल्म के करने के बाद फिर मेरा कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि हम लंदन चले गए लगभग एक फिल्म को शूट करने, वहां से आए फिर कोरोना का टाइमिंग आ गया, उसमें कोरोना के टाइम में इंडिया में शूट नहीं, फिल्में ज़्यादा हो रही थी, फिर हम लंदन चले गए, जाके वहाँ पे 3 फिल्मों की शूटिंग की, फिर लंदन गए तो जाके 2 फिल्मों की शूटिंग की, तो 3 लगातार 3 सालों से लंदन ही जा करके शूट कर रहे थे। इसकी वजह से एक चाह के भी, मैं भी चाहता था कि कितना जल्दी मैं बाबा मोशंस के लिए काम करूँ, और उनकी भी चाहत थी कि मैं काम करूं उनके लिए, पर चूंकि इत्तेफाक नहीं बना था टाइम को लेकर के, डेट्स हमारे ऐसे मैच नहीं हो रहे थे कि हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे थे, और चूंकि राहुल को लेकर के मैं थोड़ा एक्साइटेड पहले से ही था कि मुझे राहुल को लेकर के काम करना है,
और जब मैंने अपनी इच्छा बताई कि मैं अगर करूंगा आपके साथ तो राहुल के साथ ही करूंगा, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी कि हाँ ठीक है। मैंने कहानी एक्चुअली अपने दिमाग बनाई थी और उस स्टोरी को उनको सुनाया, तो उन्होंने बोला कि किसके साथ करेंगे आप। मैं बोला कि मुझे न्यू कमर कोई नया लड़का चाहिए, और उन्होंने बोला कि फिर किसको देख रहे हैं। मैंने डायरेक्ट उनका बेटा, चूंकि जो राहुल है वो ऑलरेडी काम किया हुआ है, दो हिंदी फिल्मों में काम किया हुआ है, एक हिंदी फिल्म में किया, एक वेब सीरीज में काम किया है संजय मिश्रा जी वगैरह के साथ, तो मुझे लगा कि उनके साथ काम करने या मतलब उस स्क्रिप्ट जो अभी डार्लिंग की स्क्रिप्ट है उसको उनके साथ करना बहुत अच्छा रहेगा, तो इसको लेकर के मैंने उनके साथ किया। राहुल मेरे विश्वास पे 100% खरे उतर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जो मेरा जो चरित्र है जो जो परफॉर्म कर रहा है वो राहुल, उसका नाम भी राहुल ही है, तो जो राहुल मेरे फिल्म का कैरेक्टर है वो एक्चुअल राहुल, जो ये राहुल हैं रियल राहुल, वो रील वाले राहुल को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं जो सोच रहा था वो परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है। और यहाँ तक कि कुछ अभी फाइट मास्टर आए थे दिलीप जी, वो इतना खुश हुए और इतना ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस से, राहुल के परफॉर्मेंस से वो जब प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे कह दिया कि सर इनको लेकर के आप एक पुष्पा स्टाइल की फिल्म बनाइए, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, हम लोग जो करना सोच के ये फिल्म की तैयारी की है, तो एक डांस, एक फाइट मास्टर जिन्होंने दिनेश जी को, खेसारी जी को, सबको सिखाया है, सबको सिखा करके उनको पूरा उनके फिल्मों का फाइट डायरेक्ट करके, और उनको एक बहुत अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा फाइट करते हैं, तो उनके जबान से अगर ऐसी बात आती है कि राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है तो ये काबिले तारीफ है। कैसे करना है, आज ही हम एक सीक्वेंस पिक्चराइज कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बहुत परेशानियाँ हो रही थी, बारिश बार बार तंग कर रहा था, पर एक बार उफ नहीं आया उनके चेहरे पे, सिकंस ही नहीं आई, और पूरा हमारे साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके सपोर्ट किया, और हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ वो सीन पिक्चराइज किया। तो अक्षरा के साथ काम करना बहुत ही सुखद लग रहा है, और ईश्वर करेंगे तो हम आगे भी कई फिल्में करेंगे उनके साथ। अक्षरा के साथ चूंकि हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, अक्षरा बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बहुत अप्रिशिएट करती रही है, और जब मैंने डायरेक्शन करना चालू किया तो पहली फिल्म जो मेहंदी लगा के रखना बनाया था उसकी सिटिंग में वो थी, और उसके वो सब गाने जो बहुत लोगों को, इवन खेसारी जी को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बलमुआ हो कैसे तोहरा से प्यार हो गई, या उसका एक रोमांटिक गाना जो था, तो उन गानों को लेकर के अक्षरा का बड़ा विश्वास था, उसने बोला, अक्षरा ने बोला था कि ये गाने बहुत अच्छे हैं सर, ये 100% हिट होंगे, तो मुझे शुरू से ही उसका, चूंकि और मुझे पता था कि ये सुरीली है, आज दुनिया जानती है, उस समय वो नहीं गाती थी, आज दुनिया जानती है कि वो आज वो एक रॉक स्टार है, अगर कोई फीमेल रॉक स्टार है तो वही है जो स्टेज परफॉर्म करती है, जो गाने गाती है, जिसके अपने खुद के एल्बम्स बहुत बड़े हिट हैं, अभी कोई गाना उनका है जो 400 मिलियन भी किया है, तो ऐसी लड़की के साथ मेरा भी काम करने का तो मन पहले से ही था, लेकिन इत्तफाक नहीं बन रहा था। इस फिल्म को लेकर के जब हमने उनसे चर्चा किया कि ऐसी फिल्म है मैं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी और मेरा भी मन था, तो फिर मैंने बोला कि इसमें न्यू कमर एक लड़के के साथ मैं करना चाहता हूँ, आप करने को तैयार हो, और उन्होंने बोला कि सर आपके साथ करना है, वो किसी के साथ भी हो मैं करूँगी, और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बोले कि आप सर उनको लेकर के आइए। मैंने बोला कि भाई हमको अक्षरा सिंह चाहिए इस फिल्म के लिए, क्योंकि कंसेप्ट एक सिंगर लड़की का है जो फिल्म में सिंगर है, तो उसके लिए अक्षरा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि ठीक है, अक्षरा जी ने इसके लिए कुछ अच्छी अमाउंट का डिमांड किया, तो फिर हमने प्रोड्यूसर साहब ने दोनों बोला कि नहीं सर अगर वो चाहिए तो वो चाहिए, और अक्षरा जी हमारे साथ काम कर रही हैं, अभी काम करते हुए भी 5-6 दिन हम साथ में काम किए हैं, और काम करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कई फिल्में एक साथ कर चुके हैं। व्यवहार में तो कुशल वो है ही, वो प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छी लगी, टाइम की कमिटेड है। मैंने बाकी सारे स्टारों के साथ काम किया है, फीमेल आर्टिस्टों के साथ काम किया है। अक्षरा की खासियत है कि उनके लिए 7 का मतलब 7 है, 7 बजे उनको अगर बुलाइए तो वो 7:30 तक हाजिर हो जाती हैं,
और कभी भी ऐसा नहीं है कि सर मैं अभी हो गया या कितना बजे जाऊं कितना बजे आऊं, ऐसा कुछ नहीं, जो टाइम दिया जाता है उस पर आती हैं। तो ये बहुत अच्छी खासियत है, शायद इन्हीं गुणों की वजह से आज इतना बड़े मुकाम पे हैं वो, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे हैं। और तीसरी चीज़ जो उनकी मुझे अच्छी लगी वो है कि डेडिकेटेड हैं काम के लिए, जो बोला